रांची के मोरहाबादी मैदान में आज 8वीं नेशनल और 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। चैंपियनशिप में देश भर के 160 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाए। इन खिलाड़ियों की नजर ओलंपिक में है। आपको बता दें कि संदीप ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किलोमीटर वॉक में यदि हम पुरुषों की बात करें तो संदीप भी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, कर गए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये बताइए टाइमिंग आपका क्या रहा? नमस्कार जी, ये मेरा टाइमिंग 1 घंटा 20 मिनट और शायद 15 सेकंड है। तो नेशनल रिकॉर्ड भी हुआ, साथ में टोक्यो ओलंपिक का क्वालिफाई भी हुआ और जो ये टाइम है काफी मायने रखता है। ओलंपिक मेडल का टाइम है जो पिछली बार रियो में हुआ था, तो बहुत बढ़िया हुआ है। ये बताइए अभी ओलंपिक कब है? अभी जुलाई में ओलंपिक होना है जो टोक्यो का है, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं और देश को एक बढ़िया सोने का पदक ले आके देंगे, टारगेट है हमारा और देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कितना मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं इसके लिए? बस दिन और रात एक कर रखी है, रात को नींद नहीं आती है और दिन और रात एक है कि बस या तो भगवान को पता है या हमें पता है या मेरे कोच को है। तो देखिए संदीप जो है ये मतलब क्वालिफाई कर गए हैं ओलंपिक के लिए और आने वाले समय में गोल्ड मेडल लाने की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।